हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक मिनी इन्वर्टर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस मिनी इन्वर्टर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक मिनी इन्वर्टर सर्किट है और फ्रेंड्स देखिए, ये दो तार है इस सर्किट का, पावर सप्लाई का दो तार। दोस्तों, ये सर्किट 12 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस सर्किट के साथ मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया है। और दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर के इस साइड में ये दो जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट से हमें एसी करंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस मिनी इन्वर्टर सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस IRFZ44N मॉसफेट। और फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका गेट पॉइंट, ये है इसका ड्रेन पॉइंट और ये है इसका सोर्स पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये दोनों मॉसफेट सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद दोनों मॉसफेट को हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तार को इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 1K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने सर्किट के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस पॉइंट को ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, दोनों मॉसफेट का सोर्स पॉइंट जो हमने एक तार के साथ सोल्डर किया है उस तार के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और इस मॉसफेट का गेट पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और इस मॉसफेट का गेट पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें एक तार सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और इस मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 1K रजिस्टर का एक पॉइंट और इस मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 12012 ट्रांसफार्मर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें
ये दो तार ट्रांसफार्मर के ये दो पॉइंट के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें एक तार सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर दो 1K रजिस्टर का दो पॉइंट और दो मॉस्फेट का सोर्स पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है ट्रांसफार्मर के मिडिल पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा दो छोटा हीट सिंकर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें दो हीट सिंकर दो मॉस्फेट के साथ ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा दो नट बोल्ट। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें दो नट बोल्ट ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद दोनों नट को हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे। और फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आप दोनों मॉस्फेट के साथ एक हीट सिंकर लगा देंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मॉस्फेट का ये जो पोर्शन है ये भी इसका ड्रेन पॉइंट है। तो दोस्तों अगर आप दोनों मॉस्फेट के साथ एक हीट सिंकर लगा देंगे तो दोनों मॉस्फेट का ड्रेन पॉइंट एक साथ कनेक्टेड हो जाएगा और ये सर्किट काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को दोनों मॉस्फेट के साथ अलग अलग हीट सिंकर लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट एडॉप्टर कनेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक मिनी इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।